हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरे जो वीडियो हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। तो आज मैं फिर से आप सबके एक रिक्वेस्ट पे एक और मैं वीडियो आपके साथ लेके आ गई हूँ, और अब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कान का छेद अगर बड़ा हो गया हो तो उसको कैसे हम छोटा करेंगे। वो कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको कि अपना के आप अपने कान के होल को छोटा कर सकते हैं और आप अपनी मनपसंद के इयररिंग्स पहन सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कम से कम 5-6-7 वीडियो शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, आप लोगों को उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला, तो आप लोगों ने वो वीडियो को काफ़ी प्यार दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके काम आएगी और आप इसको भी यूज करके मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे चैनल पर आपको रेसिपी वीडियो, हेल्थ वीडियो और आपको टिप्स वीडियो, ब्यूटी टिप्स के वीडियो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कान के छेद बड़े क्यों हो जाते हैं। उस कान के छेद बड़े होने का बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आपको लापरवाही बरतते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, उस वजह से आपके होल बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप कभी बड़ी ईयर रिंग्स पहनते हैं और अपने बालों को खुले रखते हैं तो बालों में उलझ के आपके जो ईयर रिंग्स है वो खींच जाती हैं, तो उससे जो होल है वो बड़ा हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बड़े ईयर रिंग्स पहने तो अपने जो बाल हैं उनको टाई कर लें ऊपर, ताकि आपके बाल जो है फंसे नहीं। दूसरी बात कि कभी आप बड़े ईयर रिंग्स पहने होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप जैसे कहीं पार्टी फंक्शन में गए, लौट के आते हैं तो जल्दी से आप अपने ड्रेस को चेंज करते हैं, तो उसमें भी कभी गलती से फंस के आपके होल बड़े हो जाते हैं। कोई कोई लोगों का क्या होता है कि वो काफ़ी बड़े हैवी ईयर रिंग्स पहनना पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबे ईयर रिंग्स पहनने की वजह से भी आपके होल बड़े हो जाते हैं। तो ये सारे ये सब रीजन है बड़े होने का, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और कुछ रेमेडीज हैं जो मैंने पहले बताई हैं और जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनका यूज करके आप जो है अपने होल को श्रिंक कर सकते हैं। तो आप इसको कान में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके नाक को बंद करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए रेमेडी को बताते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल पतंजलि का है, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे चूना। ये चूना वही चूना है जो हम पान के अंदर लगा के लोग खाते हैं, वही चूना है। और जो चूना होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी चीज़ को भरने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर लेने वाले हैं, ये है सर्फ पाउडर, जिससे कि हम कपड़े धोते हैं। आप कोई सा भी अच्छी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने जो यूज कर रही हूँ वो टाइड है और इसको लेना है। तो चलिए रेमेडी को बना लेते हैं। और इसके लिए हमको चाहिए एक बाउल। इस बाउल को में हमें जो है ये जो हमने चूना लिया है इस चूने को लेना है, और जो चूना है और जो इस तरीके से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इतना निकाल लिया है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। जैसे कि हमें लेना है मटर के दाने होते हैं उतना ही हमें लेना है, और उतना ही हमको जितनी क्वांटिटी चूने की है उतने ही क्वांटिटी हमें पाउडर की भी लेनी है, सेम क्वांटिटी लेनी है, कम ज़्यादा नहीं करना है। उसको इसमें डाल देंगे। उसके बाद इन दोनों को हमें मिक्स करना है, और थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है तो हल्का सा हमको इसमें एलोवेरा जेल मिलाना है। इतना मिलाना है कि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इतना मैंने एलोवेरा जेल लिया है। अब ये तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है और कब लगाना है
और इसको जो लगाने से आपको जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, एक दिन में ही आपके ये भरने लगेंगे, क्योंकि ये जो चूना होता है वो खारा होता है। तो इस तरीके से देखिए ये पेस्ट हमने तैयार कर लिया, ये स्पून की वजह से चमक रहा है देखिए। अब इसको जो है मैं लगाने का तरीका बताती हूँ। इसको आपको जो है हाथ से नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि चूना है तो हाथ से नहीं लगाना है। या तो आप इस तरीके की टूथपिक ले लीजिए, इस तरह की आपको टूथपिक लेना है, या फिर आप इस तरह से ये माचिस की तीली ले सकते हैं, लेकिन आपको इस साइड से यूज नहीं करना है, इस साइड से करना है। अब आपको हम बताते हैं लगाना कैसे है। जब भी आपको लगाना हो तो आपको क्या करना है कि पहले इस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेना है आपको, पानी से अच्छे से वॉश करके। उसके बाद जो सेलो टेप आता है, सेलो टेप को हमको पीछे की साइड में चिपका लेना है, छोटा सा टुकड़ा कट करके, और इधर से इस साइड से आपको चिपकाना है, ताकि आप इसके अंदर भरें तो ये इस निकलने ना पाए। तो इसको लगाते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमें ले लेना है, और उसके बाद हमें इस अपने होल में इस तरीके से इसको भरना है। जब आप भरेंगे, ये इसमें देख के मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसे होल में आपको भरना है। भरने के बाद आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे जलन की तरह होगा, तो घबराए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा चिचराहट सी होगी, लेकिन उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर आप इसको भरा रहने दें, और उसके बाद 2 से 3 घंटे तक रहने दें, उसके बाद इसको आप वॉश कर सकते हैं। इसको आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको रात में लगाना है, दिन में भी आप अच्छे से लगा सकते हैं, इसको अच्छे से भर लें। आप चाहें तो भरने के बाद ऊपर से टेप भी लगा सकते हैं, ताकि निकलने ना पाए। तो इस तरीके से आप अपने ईयर होल को भर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किसी किसी को, जैसे कि जिसका होल बड़ा होता है ना, तो उसमें ये जो है थोड़ा सा हल्का सा मतलब घाव जैसा होगा, तो उससे आप घबराएं नहीं, वो धीरे धीरे वो जब घाव बनेगा हल्का सा, तभी वो भरना शुरू होता है। कोई भी चीज़ को इस तरह का, तो वो पहले हल्का सा, क्योंकि चूना लगाने से थोड़ा सा होगा, तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको टेंशन नहीं लेना और छोड़ देना। जब वो घाव होके फिर वो भरने लगेगा अपने आप ही, जब इसको आप लगाएंगे तो अपने आप वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपको इसको 1 से 2 बार या 3 बार लगा लीजिए, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर ये भर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। कई सारे टिप्स मैंने दिए हुए हैं अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं वो भी। आप चाहे आपको जो ईजी लगे वो वाला आप फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही करें या वो करें, जो आपको ईजी लगे, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई करूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।